कुल 1214 प्लेयर्स ने आईपीएल नीलामी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया है और इसी कड़ी में आज इस वीडियो में उन 10 विदेशी प्लेयर्स के नाम बताऊंगा जो या तो अपनी प्राइस के कारण या फिर भाई अपने परफॉर्मेंस के कारण ये प्लेयर्स जिस पोजीशन पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है ये नहीं बिकेंगे आईपीएल में। तो 10 के 10 विदेशी प्लेयर्स के नाम देखेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आईपीएल की तमाम खबरें, फैक्ट, रिपोर्ट, स्टोरी सबसे पहले लेकर आते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, लाइक और शेयर करना है इस वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो देर कर रहे हैं आप। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कीजिए, लाल बटन को हिट करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। दोस्तों पहले खिलाड़ी जो कि हम बोल सकते हैं कि नहीं बिकने वाले हैं और शायद इन्हें नाम नहीं देना था, मैंने पहले भी कहा था, वह है इमरान ताहिर। ग्रेट स्पिनर, मतलब शायद आईपीएल में बहुत कम ऐसे स्पिनर्स विदेशी आते हैं, साउथ अफ्रीका से आते हैं, और पिछले साल भी हमने देखा था कि वो चीज अब बची नहीं है क्योंकि चेन्नई में भी जगह नहीं मिल रही थी। 2 करोड़ की बेस प्राइस में सबसे बड़ी चीज यह है कि इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। अगर ये 75 लाख रुपए की बेस प्राइस में होते तो शायद कोई ना कोई टीम इन्हें पिक कर डगआउट में बैठा भी सकती थी, बिकॉज देखो एज का भी फैक्टर है इनके साथ। बट क्योंकि अब 2 करोड़ की बेस प्राइस में आप आ गए हो, टीमों के पास इतना पैसा नहीं होगा, 50 प्लेयर्स हैं 2 करोड़ की बेस प्राइस में, तो ऑलरेडी देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन ओवर देयर एंड लॉट ऑफ फॉरेन प्लेयर्स ओवर देयर टू। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कि भाई इमरान ताहिर के लिए वो जगह बची नहीं है वहां पर, और चेन्नई ने पिछले साल वो इनडायरेक्टली बता दिया था। तो पहले प्लेयर इमरान ताहिर है। दूसरे खिलाड़ी जो इस लिस्ट में है वो है कॉलिन इंग्राम। अब भाई कॉलिन इंग्राम को आप जानते होंगे, बहुत ही वियर्ड आईपीएल हिस्ट्री लेकर ये बंदा चल रहा है, भारत में कभी चलता नहीं है। और बड़ी चीज ये साउथ अफ्रीका से आते हैं, बड़ी चीज ये बल्लेबाज है, ठीक है सब कुछ अच्छा है, विस्फोटक बल्लेबाज है। 1.5 करोड़ रुपीज ज्यादा मांग रहे हैं भाई कॉलिन इंग्राम, क्योंकि टीमें देने वाली नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आईपीएल का एक बहुत ही वियर्ड हिस्ट्री है इनके साथ, ये चलते नहीं है आईपीएल में और दूसरी लीगों में चलते हैं, और टीमें ऐसे खिलाड़ी पर 1.5-2 करोड़ रुपए क्यों खर्च करेगी, जैसा कि मैंने कहा देयर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। तो कॉलिन इंग्राम दूसरे थे। तीसरे खिलाड़ी है इस लिस्ट में डार्सी शॉट। डार्सी शॉट के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा रह चुके हैं, और इनके साथ देखो 1 करोड़ की बेस प्राइस में आएंगे, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं, बल्लेबाज हैं, बहुत सारी चीजें इनके फेवर में नहीं जाती है क्योंकि शायद वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आए उस तरह की छाप नहीं छोड़ सके, और बिग बैश लीग में भी आते हैं पर दुनिया की लीगों में उस तरह की छाप छोड़ी नहीं है। स्पेशली आईपीएल बड़ा कठिन था इनके लिए क्योंकि स्पिन के सामने फंस रहे थे, पूरा आईपीएल भारत में होगा। तो 1 करोड़ रुपए में डार्सी शॉट इज अ वेरी एक्सपेंसिव डील, सो आई डोंट थिंक कि कोई भी टीम लेती हुई इन्हें भी नजर आएगी। तो ये तीसरे खिलाड़ी थे। चौथे खिलाड़ी इस लिस्ट में है जेम्स वॉकनर। जेम्स वॉकनर की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इन्हें बहुत सारे लोग 2013, 2014, 2015 में जो आईपीएल देखता था ना, 2017 तक जो आईपीएल देखता था उस समय मैं भी देखता था, वो इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये एक मैजिकल खिलाड़ी बनकर आया था 2012 और 2013 में। 1 करोड़ की बेस प्राइस में ऑस्ट्रेलिया का ये खिलाड़ी मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि वो मैजिक खत्म हो गया है क्योंकि हमने पिछले 3-4 सालों से तो उनको देखा ही नहीं है, मैंने तो पर्सनली मैंने ज्यादा नहीं देखा। हाँ बिग बैश लीग में खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी नाम वापस हुआ, तो वो रेपुटेशन खत्म होने के कारण टीमें पीछे जाएंगी नहीं। ऑलरेडी 50 प्लेयर्स तो 2 करोड़ में है और 1214 प्लेयर्स नीलामी में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो फॉकनर जैसे खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए तो नहीं मिलने वाले, नहीं बिकेंगे। चौथे नंबर के बाद पांचवें नंबर के खिलाड़ी की बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, लेकिन उससे पहले एनसीपी शॉर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा नया चैनल एनसीपी शॉर्ट्स आ चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, खोलेंगे। जैसे ही आप खोलेंगे दोस्तों, आपको आईपीएल और क्रिकेट की जो पर्दे के पीछे की कहानियां होती है ना, उसे छोटे छोटे 1-1 मिनट के शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में हम आपको वहां पर प्रोवाइड करते हैं, तो देर मत करना, मजा आ जाएगा, एनसीपी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों ये तो 4 प्लेयर्स थे, पांचवें खिलाड़ी है शाकिब महमूद। अब इनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, इंग्लैंड से आते हैं। शाकिब महमूद 2 करोड़ की बेस प्राइस के साथ एक पेस बॉलर का रोल निभाते हैं। ये बात जरूर है कि जब आप पेस बॉलर होते हैं तो टीमें आपसे उम्मीदें ज्यादा लगाती हैं, प्लस आईपीएल के लिए ये एक बहुत अच्छा अनुभव रहता है तेज गेंदबाजी, क्योंकि मिलते नहीं है भारत में उस तरह से। बट फिर वही बात है ना भाई कि 2 करोड़ रुपए शाकिब महमूद कोई जानता नहीं है, ब्रांड आपकी ब्रांड वैल्यू में कुछ जोड़ेंगे नहीं, इनके जगह पर टीमें रबाडा के पीछे या फिर हम बोले ट्रेंट बोल्ट के पीछे पड़ेंगी, या फिर 1.5 करोड़, 1 करोड़ या फिर 75 लाख का कोई दूसरा नामी तेज गेंदबाज ढूंढ लेगी, कंपैरेटिवली नहीं बैठ रहा है तो भाई बिकेंगे नहीं, 2 करोड़ बहुत महंगा। शाकिब महमूद के बाद अब बात करते हैं 7वें प्लेयर्स की, तो 7वें खिलाड़ी है नेथन लियोन। अब नेथन लियोन को बहुत सारे लोग जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया के बड़े ही कहने ना बड़े ही एक्सपीरियंस स्पिनर रहे हैं, 1.5 करोड़ रुपीज की बेस प्राइस के साथ नीलामी में उपलब्ध होंगे, बड़े महंगे हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि लंबे अरसे से ऑस्ट्रेलिया का लिमिटेड ओवर क्रिकेट खेला नहीं है,
दूसरा बिग बैश लीग के प्रदर्शन के आधार पर क्या आप सोचते हैं आईपीएल में मिलेगी आपको जगह, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ऐसा पहले हुआ है और वो एक्सपेरिमेंट बहुत गलत साबित हुआ है आईपीएल में। तो टीमें अब वो एक्सपेरिमेंट करती नहीं है, बिग बैश के आधार पर आईपीएल में सिलेक्शन अब बंद हो गया है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं रहा है। और नेथन लियोन जो कि एक लंबे अरसे से इस तरह का कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेला नहीं, आई डोंट थिंक कि मुझे बिकते हुए नजर आ रहे हैं। सातवें नंबर के बाद बात करते हैं आठवें नंबर की, तो आठवें नंबर पर है ओडियन स्मिथ। 2 करोड़ की बेस प्राइस के साथ वेस्टइंडीज का ये तेज गेंदबाज ओडियन स्मिथ आया। मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, कैरेबियन प्रीमियर लीग से प्लेयर्स आ रहे हैं आईपीएल में और अच्छे आते हैं और चलते भी हैं। हमने उदाहरण देखे हैं, एटमायर हो गए या फिर कोई भी आप उदाहरण उठाकर देख लेंगे जो वेस्टइंडीज के अभी आ रहे हैं। बट देखो, इसमें एक बड़ी चीज है ना प्राइस का, आप 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं ओडियन स्मिथ, जिनके बारे में शायद बहुत सारे इंडियंस ने सुना नहीं होगा, टीमें नहीं देंगी। अगर आप 75 लाख रुपए मांगते टीमें देती, और फिर अगले साल आप प्रदर्शन कर 2 करोड़ रुपए मांग सकते थे। तो शुरुआत में 2 करोड़ रुपए मांगना इस विदेशी प्लेयर्स पर भारी पड़ेगा, लिख कर रख लीजिए पड़ेगा, क्योंकि बिकेंगे नहीं। नौवे खिलाड़ी है एस्टन एगर को तो शायद आप जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी खेले, एक बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हो चुके हैं। देखो, बिक सकते हैं, ये एक ऑलराउंडर का ठीक ठाक रोल, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हैं, सब कुछ अच्छा है, रेपुटेशन अच्छी है। समस्या है इनकी बेस प्राइस, 2 करोड़ रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है एस्टन एगर के लिए। मैं बता रहा हूँ भाई, अगर ये 75 लाख में भी आते ना तो शायद 1.5 करोड़ से महंगे नहीं बिकते, अगर बिकते भी तो मुश्किल है, नामुमकिन है इनके लिए। नौवे खिलाड़ी है एस्टन एगर, नहीं बिकेंगे। दसवें प्लेयर है रिले रॉसो, बहुत सारे लोग जानते होंगे, आरसीबी की टीम की तरफ से खेल चुके हैं, बहुत पहले आया करते थे, 1 करोड़ रुपए की बेस प्राइस साउथ अफ्रीका के इस खिलाड़ी के लिए। ऑलराउंडर का रोल निभाते हैं, एक प्लस पॉइंट है इनके साथ ही, एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर का रोल निभा सकते हैं, बट स्टिल 1 करोड़ रुपए इस माइट टीमें सोचेंगी कि बहुत महंगा है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं आपके पास, अनकैप्ड प्लेयर्स हैं। अब तो टीमें अनकैप्ड प्लेयर्स पर भी भरोसा जताने से रुकती नहीं है, क्योंकि पिछले सालों में हमने वेंकटेश अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़ के बहुत ही सफल उदाहरण देख लिए हैं। सो मुश्किल होगा रुसो के लिए भी बिक पाना, प्रदर्शन वाइज तो बहुत ज्यादा। तो ये 10 प्लेयर है विदेशी प्लेयर्स है, जो कि जेन्युइनली वो प्लेयर्स हैं जो कि शायद अलग अलग कारणों के चलते बिकेंगे नहीं। अब कमेंट बॉक्स में आप बताना भाई, इनमें से कौन बिक जाएगा, किस टीम में बिकेगा, यूट्यूब कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, कमेंट जरूर कीजिए। एमसीपी शॉर्ट नया चैनल आ चुका है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन उसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।